विधान परिषद सभापति रमेश यादव की दूसरी पत्नी मीरा यादव के छोटे बेटे अभिजीत यादव की मौत लखनऊ पुलिस की लापरवाही का नमूना है। नमूना इसलिए कि अगर वक्त रहते अधिकारियों ने इस लापरवाही को सुधारा ना होता तो शायद विवेक तिवारी के बाद अभिजीत यादव हत्याकांड लखनऊ पुलिस के गले की हड्डी बन सकता था। शुरुआत हत्या आरोपी मीरा यादव के झूठ से करें तो हत्या आरोपी मीरा यादव ने अभिजीत की हत्या के बाद वारदात को छिपाने के लिए मृतक के गले में आए गला घोटने के निशान को सेफ्रोमाइकिन ट्यूब लगाकर छुपाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, मीरा यादव ने अपने ही बेटे और पुलिस को गुमराह करने के लिए सीने में दर्द की ऐसी कहानी गढ़ी कि पुलिस भी हत्या को स्वाभाविक मौत मान बैठी थी। इतना ही नहीं, आनंद फानन में मीरा यादव ने बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली। पुलिस सूत्रों की माने तो अभिजीत की मौत पर पहुंची पुलिस को परिवार से किसी ने सूचना ही नहीं दी थी। मीडिया की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो तब तक शव को अंतिम संस्कार के लिए ढका जा चुका था। पूरी प्रॉपर्टी है, समझ लीजिए, सब कुछ आशीष यादव के नाम है। मेरे बच्चों के नाम अगर आप कहीं पासबुक से निकाल के दिखा दीजिए कि मेरे बच्चों के नाम कहीं भी इन्होंने 2-2 लाख रुपए जमा किया हो। इस पूरे मामले में पुलिस भी मीरा यादव की झूठी कहानी में उलझ कर रह गई। एक तरफ मीरा यादव की झूठी कहानी थी तो दूसरी तरफ सभापति रमेश यादव का बड़ा नाम। SSP लखनऊ की मौजूदगी में ही अभिजीत यादव के शव को अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया गया। 21 अक्टूबर को अभिजीत यादव जो दारुसफा में रहते हैं उनकी मृत्यु की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी तो उनके परिवारजनों ने यह बताया कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई है, इसलिए कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, किंतु पुलिस को संदेह हुआ। इस आधार पर पुलिस ने उनका पंचायतनामा भरा, उसके बाद शव को PM के लिए भेजा। यानी कि विधान परिषद के सभापति के जवान बेटे की मौत हो जाती है, माँ हार्ट अटैक की झूठी कहानी बताती है और पुलिस बिना शव को एक बार देखे अंतिम संस्कार कराने को मंजूरी दे देती है। ये सब लखनऊ पुलिस की चूक और लापरवाही का ही नमूना था। विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के बेटे की हत्या के मामले में लखनऊ पुलिस ने भले ही आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हो, लेकिन इस पूरे मामले ने पुलिस अफसरों की लापरवाही को भी उजागर किया है। जिस तरह से अभिजीत यादव के शव का अंतिम संस्कार कराया जा रहा था और लखनऊ पुलिस के बड़े अफसर तमाशा देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक थी। अगर शव का अंतिम संस्कार हो गया होता और हत्यारोपी माँ ही कोई हाई प्रोफाइल ड्रामा रचकर सभापति से लेकर उनके पूर्व विधायक बेटे पर आरोप मढ़ देती तो सवाल उठता है कि लखनऊ पुलिस फिर विधान परिषद के सभापति रमेश यादव और पूर्व विधायक आशीष यादव को कैसे कानून के शिकंजे से बचा पाती। ETV भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।